सबसे पहली चीज तो कई लोग गलती करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब खान नहीं है, खान के अलावा भी लोग एक्टिंग करते हैं यकीन मानिए। और एक छोटी सी बात और, इसमें लिखा है एक्टर स्टोरी टेलर, तो मैं तब से वही सोच रहा था कि स्टोरी टेलर तो मैं उस तरह ऑफिशियली हूँ नहीं, तो मुझे बैठे बैठे रियलाइज हुआ कि बात करने को तो स्टोरी टेलिंग कहते हैं, तो मैं ये मान लेता हूँ क्योंकि बात तो 30 साल से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इसलिए ज़रूरी था ये टाइमर होना। अच्छा वो आपने रखा, वरना मैं बोलता रहता हूँ तो रुकता नहीं। हाँ, तो जब मुझे ये टॉपिक के बारे में पता चला कि इनफाइनाइट डायमेंशंस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, या जो भी हम इसको बोलना चाहें, मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आई थी कि क्या बोला जाए। आपने इनफाइनाइट बोल दी, वैसा होता है ना, आप कहीं बैठे हैं और अगर आप गाना गाते हो तो कोई बोलता है अरे कोई गाना गा के सुनो, उस टाइम कोई गाना दिमाग में नहीं, तो वैसे ही करने को हजार बातें हैं मेरे पास, पर जैसे आपने बोला कि इनफाइनाइट डायमेंशन जैसी बड़ी बात को बोलना है तो एक घबराहट हुई। फिर एक बात ये समझ में आई कि इनफाइनाइट डायमेंशन एक्सप्लोर की जा सकती है, आपकी लाइफ में होती है, जिसका एक बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि एक इंजीनियरिंग क्लियर ना कर पाने वाला आदमी आज आई एम वालों के सामने बात करने के लिए। तो मुझे वही लग रहा था कि फिर हम क्यों नहीं उस तरह से उतना एक्सप्लोर कर पाते। अभी जैसा मुझसे पहले भी जिन लोगों ने बात करी, अभी जिस तरह डायरेक्टर सर भी बात कर रहे थे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें रोक देती है, हम कहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि मैं कई जगह फंसा हूँ, मतलब मैं कदम कदम पे डायमेंशंस जो हैं वो चेंज करता आया हूँ। मैं पहले क्रिकेटर बनना चाहता था, अच्छा खासा खेल लेता था, नेशनल्स तक खेला, फिर एक बार जब अच्छे बहुत अच्छे प्लेयर के सामने खेला तो आपात समझ में आए कि क्रिकेट में कुछ हो नहीं सकता, तो वहां से निकले, फिर किसी को बास्केटबॉल खेलते हुए देख लिया तो लगा यार ये खेल है, इसमें हम कुछ कर पाएंगे। स्कूल के लेवल पे हीरो थे, जैसे ही नेशनल्स खेलने पहुंचे आगे हमसे छोटी हाइट के लोग उछल के डंक मार रहे हैं, औकात समझ में आई वहां से निकल आए। फिल्में देख के लगा फौज में हिस्सा लेंगे और हीरो बनेंगे और एयरफोर्स ही जाएंगे, प्लेन उड़ाएंगे, वरना उससे कम तो कोई बात है। तो अपना मुंह उठा के पहुंच गए, पर बचपन में वीडियो गेम खेला करते थे तो उसकी वजह से कम पीएबीटी क्लियर हो गया, कुछ इज्जत बचा के वापस आए, वरना तो जो है पूरे मोहल्ले में मजाक उड़ता। कम से कम ये हुआ कि अच्छा कभी अगर जिंदगी में हुआ तो पायलट बन सकता हूँ, तो ये पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, वो क्लियर हो गया। पर वहाँ भी समझ में आया कि भाई ये हो पाएगा नहीं, तो चुपचाप वापस आ जाओ। और जिस तरह से दुनिया चलती है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी इनमें से ही किसी एक चीज़ पर फोकस करो और कर लो, क्योंकि ये मैथ्स ठीक ठाक ही बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा अच्छी नहीं बोल रहा, आप आई एम के लोग हैं, आप लोगों के हिसाब से अपने हिसाब से अच्छी थी। तो इंजीनियरिंग का पर्चा देने पहुँचे, कुछ हुआ नहीं, और जैसे आईआईटी का जो है पापा ने 500 रुपये दिए, हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग शुरू हुई थी जेई की, तो हमें जो है 500 रुपये दिए गए कि जाके फॉर्म खरीद लाओ, तो मुझे समझ में आया कि ये 500 रुपये में आईआईटी वालों को भी ढूंढना है क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्लियर मुझसे होना नहीं है, तो बेहतर है ये 500 रुपये अपनी जेब में डालो, दोस्तों को ले जाके पार्टी दे दो। तो हमने वही किया, जाके स्क्रीनिंग का वही नहीं किया, स्क्रीनिंग वाले दिन पर 3 घंटे कहीं बिता के आ गए और बोला पेपर बहुत अच्छा हुआ, पर रिजल्ट में तो हमेशा, मतलब पेपर तो हमेशा अच्छे होते हैं, रिजल्ट ही खराब होता है, ये मेरा बचपन से मानना रहा है। तो खैर, तो ये सारी बातें थी, तो मुझे समझ में आया कि फिर क्या चीज़ है जो हमें फंसाती है। मैं इतनी जगह से कूदता फांदता यहाँ तक पहुँचा हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, जो मुझे भी लगता नहीं कि किसी खास जगह पहुँचा हूँ, मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है और डराती है चीज़ वो है सेटलमेंट। और मेरे हिसाब से हम अपनी ग्रोथ को सबसे पहले तब रोकते हैं जब हम सेटलमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे कई दोस्त भी हैं और मेरे साथ भी अपनी ज़िंदगी में हुआ है, जब भी मैं सेटलमेंट की तरफ बढ़ा हूँ मैंने अपनी एक्सप्लोर करने की ताकत को हमेशा कम कर दिया, बिकॉज मेरे पास खोने को बहुत कुछ होने लगता है। और मैं सेटलमेंट तो मुझे हमेशा वो लगता है कि यानी कि आप चाह रहे हो कि लाइफ में उतार चढ़ाव बंद हो जाए, सब कुछ ठीक से रहे, सब कुछ सेफ रहे, महीने का इतना पैसा आ जाए, लाइफ में ये चीज़ सेटल हो जाए, जिस तरफ हमें कंटिन्यूसली हमारी कंडीशनिंग, हमारी सोसाइटी हमें लगातार उस तरफ ही फेंकने की कोशिश करती है। तो
मेरा मानना है कि सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब एक काम करने के लिए बढ़ते हैं उसके पीछे वजह क्या होती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ छोटी सी, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए वरना लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या अपने पढ़ाई कर रहा है या कुछ कर रहा है। पर एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जब एक्टिंग शुरू करी थी तो जाहिर तौर पे मेरा भी रीजन वही था जो ज्यादातर एक्टर्स का होता है, पहली बार एप्रिसिएशन मिला था और एक अच्छे लेवल पे एप्रिसिएशन मिला था। स्टेज पे आए थे तो स्टेज पे आके लगा था कि हाँ कुछ जादू हुआ, लोगों से जब तालियां मिलती हैं खासतौर पर। तो शुरुआत में सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए ही एक दौड़ जो है चल रही थी, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक पॉइंट के बाद वो बोरिंग हो जाता है। जैसे डीयू में मैं था, बहुत सारे अवार्ड मिल गए बेस्ट एक्टर के, जो भी सब होता रहता है, तो ऐसा लगने लगा था कि हाँ अब लाइफ सेटल्ड है और अब जो है अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से काम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब मेरे ख्याल से वही सबसे डेंजरस चीज थी, क्योंकि जब मैं अपने दिमाग में मेंटली सेटल्ड हो गया और मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि एक्टिंग नाम का हुनर मुझे आ गया है, वही टाइम था जब मेरा फॉल अपने अंदर से शुरू हुआ था। मैं ये मान के कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, एनएसडी का फर्स्ट टाइम जब वो देने गया, जिसमें भी मैं ऐसा नहीं कर रहा था अपने दिमाग में कि एनएसडी जाऊंगा तो एनएसडी के लिए कोई फायदा हो जाएगा अगर मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं पहुंचा और मैं इतनी ईगो में था, मैं इतना फुल ऑफ माइसेल्फ जिसको बोलते हैं, मैं इतना अपने आप में खुश था और कॉन्फिडेंट बोलूं या फिर प्राउड बोलूं या घमंड बोलूं, मुझे पता नहीं शब्द क्या सही रहेगा, पर मैं इतना ज्यादा भरा हुआ था कि मैं वहां पे कुछ डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। और ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं पता थी, पर अंदर से मैं उसको फॉलो करने उसको मानने से कतरा रहा, और मुझे ये लग रहा था कि ये अच्छा अब इन लोगों को चाहिए कि मैं आके वर्कशॉप में कुछ करके दिखाऊं, चलो ठीक है एहसान कर दे। और मैं उस एटीट्यूड से आया और आई थिंक वो एक फेलियर, मैं फेलियर का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पहले एक ये बात बताऊंगा, उस फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो एक तरह से मेरे मुंह का मतलब तमाचा था, मैं जागा उसके बाद, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि नहीं मैं जिंदगी को अलग तरह से देख रहा था, ये एक आर्ट फॉर्म है, मैं इसको ये मान रहा था कि मैं पूरी तरह समझ गया। इवन विद लाइफ मुझे लग रहा था कि मुझे पता लग गया है लाइफ कैसे चलनी चाहिए, किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एंड आई वॉज प्लानिंग एवरीथिंग, आई वॉज लुकिंग आउट कि हाँ इससे ये करते करते आज से 5 साल बाद 7 साल बाद मैं सेटल्ड हो जाऊंगा टोटल। उस फेलियर ने मुझे ये बताया कि असली खोज जो है वो कभी पैसे की नहीं हो सकती या कहीं सेटल होने की या कुछ अचीवमेंट मुझे पता नहीं है। जैसे एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है, मैं बीच में हल्का सा डाइवर्जन लेता हूँ इस बात से, एक हम थिएटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे साथ राशिद सर एक हमें पढ़ाने आते थे, उन्होंने करवाई थी कि बेसिकली मान लीजिए ये स्टेज है और मैं इस कॉर्नर पर खड़ा हूँ और ये पोडियम जो है, आई हैव टू इमेजिन कि ये पोडियम इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, तो मुझे यहां से इस तक की अपनी जर्नी देखनी है, सो आई हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, ऐसा एक बेसिक आइडिया है जिसमें अलग अलग तरीके से उसके प्रोसेस में चीजें जाती हैं कि कोई आदमी बहुत तेजी से भाग के चला जाता है, कोई पहला स्टेप लेने में ही डरता है, कोई आदमी एक स्टेप लेता है, चार स्टेप लेता है, फिर रुक जाता है, और अलग अलग तरह के बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने पॉइंट्स आते हैं। पर एक चीज जो है जो मेरे साथ घटी थी और काफी लोगों के साथ घटती है, वो होती है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आपको यहां से ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू अचीव दैट यू रियलाइज के नाउ इट इज यू हु हैज अचीव्ड। जैसे अभी मैं बड़े कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि एनएसडी क्लियर करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज मैंने क्लियर कर लिया था, इसका मतलब जो है वो बहुत आसान है एक पॉइंट पर क्लियर करना। ये कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट सीख दी थी कि हमें अपने आप को सेटिस्फाई हो जाएंगे एक जगह पहुंच के, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। सो यानी कि बेसिकली व्हाट इज लाइफ, लाइफ इज टू एक्सप्लोर, आपको एक्सप्लोर करते रहना है कंटिन्यूसली, आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको अपने अंदर नए डायमेंशन को ढूंढना है, और अपने अंदर उसको ढूंढने के लिए सबसे पहला जो हमारे ऊपर रोक आती है वो फियर वाली बात होती है। जैसा अभी सर ने बोला
मैं वही बोलूंगा वो सेल्समैन इंश्योरेंस सेल्समैन वाली जो बात आती है मैं उसका एक अलग तरह का बोलूंगा, मतलब वो कहानी उन्होंने शुरू करी थी, पर मैं जब भी इंश्योरेंस का एड देखता हूँ मैं डर जाता हूँ। मुझे एकदम से लगता है कि मैं तो बहुत खराब पति, बहुत खराब बाप, बहुत खराब बेटा हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने एक तो कमाल का एड हो सकता है वो बनाने वाले यहाँ बैठे हों तो उसकी बात नहीं कर रहा, पर एक ऐड है जिसमें एक औरत बैठी हुई है बड़े अफसोस से और वो कैमरे की तरफ देख के बोलती है बताइए ऐसे ही चलेगा। मैं घबरा गया, अकेला बैठ के ऐड देख रहा था, मैं डर गया और मुझे लगा कि नहीं मैं क्या अपने आप को एक्सप्लोर करने की, मैं क्या अब मुझे परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंसेस लाने हैं, मैं इस तरह के कैरेक्टर करना बंद करूंगा, अब मैं कमर्शियल फिल्म्स में थोड़ा सा पीछे आऊंगा, आई वांट टू एक्सप्लोर अदर साइड ऑफ मी, ये सब बातें साइड में करो क्योंकि मुझे पैसा इकट्ठा करना जरूरी है, कहीं मेरी बीवी ना बैठी हो कहीं ऐसा बोलती हूँ। आई थिंक ये एक फियर हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डाला जाता है, जो मैं भी बोल रहा था कि घर से डाला जाता है, और इसीलिए हम वो सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अभी एडवर्टाइजिंग, मतलब आप लोग भी करने वाले हैं, आपके सीनियर्स भी कर रहे हैं, यहाँ बैठे कई लोगों ने करा भी होगा, वो कहीं ना कहीं हमें विचलित करती है, मेरे टारगेट को बदल देती है। टारगेट को क्या बदल देती है कि मैं शुरू करता हूँ या कोई भी, मतलब मैं का मतलब मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, आप में से जितने लोग बैठे हैं सबने कोई एक ड्रीम लेके कोई एक चीज लेके शुरुआत की होती है, हम उसमें से भटकते चले जाते हैं। हम कहाँ भटकते चले जाते हैं, मेनली जब हमारे ऊपर बार बार ये बोला जाता है कि अगर आपके पास एप्पल का आईफोन 8 नहीं है तो आप जो है एक फेलियर है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर ये वाली गाड़ी नहीं है तो आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, ये आई थिंक एक बहुत ही नेगेटिव थॉट है जो हमारे इस इनफाइनाइट डायमेंशन जो हमारा टॉपिक है, मुझे लगता है इसी वजह से शायद इस टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत भी है कि हम लोग उसको रोक देते हैं। जैसे एक छोटी बात में अगर बोलूं एक्टिंग के हमारे डिपार्टमेंट से, अगर मैं बोलूं स्ट्रगल के बारे में बात होती है बहुत ज्यादा, मतलब आप सबने कहानियां पढ़ी होंगी, आप सबने मैगजीन्स में देखा होगा, इंटरव्यूज में देखा होगा, चाहे वो मीडिया इंटरव्यू हो, प्रिंट इंटरव्यू हो, कहीं पर मुझे हमेशा एक बात की हैरानी होती है कि जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं एज एक्टर, एक आध दो लोगों को छोड़ के कोई आदमी एक्टर के स्ट्रगल की बात क्यों नहीं करता है, जो एक्टिंग में आपको कुछ अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू स्ट्रगल अबाउट द प्रोसेस। हर आदमी ये बात क्यों करता है इसमें कि मैं बंबई जब आया था तो मेरे जेब में 50 रुपए थे, मुझे ये करना पड़ा और आज मैं यहाँ पे एक 4 BHK खरीद पाया हूँ। सडनली आई रियलाइज कि वन सेकेंड, आप बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं, आप एक्टर के स्ट्रगल की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पैसा कमाने वाले आदमी के स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। आपके लिए अगर पहले से ही पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो आपको पता नहीं किस फील्ड में जाना चाहिए था, मुझे एक्चुअली वो आप लोगों को ज्यादा बेटर पता होगा, पर सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर मैं ये बोलूंगा तो मुझसे थोड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, पर जैसा बाकी सब लोगों ने भी बोला सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारी प्रॉब्लम ये होती जा रही है हम सब ना अपने ऊपर एक बुक लिख रहा है, हर आदमी एक नॉवल लिख रहा है अपने ऊपर, जिसका सबका सब में वो जो है खुद ट्रेजिक हीरो है, उन सब को बड़ा एक वो है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। मैं हमेशा ऐसा होता हूँ भाई रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, आप ऐसा बना रहे हो, आप जबरदस्ती ऐड करे जा रहे हो। आई थिंक वी नीड टू फोकस मोर ऑन व्हाट वी नीड, वी वांट टू अचीव, व्हाट वी वांट टू डू, रादर देन के मुझे सड़क पे सोना पड़ गया, बंबई में मैं पहले स्पॉट बॉय था और फिर मैं पहुंचा हूँ यहाँ तक। आई थिंक बहुत उसकी पूरी रिस्पेक्ट है, आई अंडरस्टैंड के क्लासेस के स्ट्रगल में क्या होता है, मैं उस बात की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर क्यों आप लोगों की बात में, मतलब ये मैं ऑब्वियसली आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लोगों से जहाँ बताओ कि बंबई में बात कर रहा हूँ कैबिनेट में, कि क्यों आपकी हर बात में सिर्फ पैसे की बात आती है। बहुत कम एक्टर्स हैं, एक दो एक्टर्स हैं जो बात करते हैं इंटरनल जर्नी जिससे आप गुजरते हैं, और वो क्या जर्नी होती है, वो जर्नी होती है जब आप अपने अंदर की डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और उसमें खराब कोई भी आदमी जब उस स्ट्रगल की बात करेगा तो वो हमेशा ज्यादा आपको खुश महसूस होगा, बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस जो आपको एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग आपके अंदर से देता है।
जब हम एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैं फिर से एक बार एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करूंगा, एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज हमें करवाई थी त्रिपुरारी शर्मा, हमारे एक टीचर थे, उन्होंने सीन वर्क हो रहा था, रियलिस्टिक एक्टिंग पे सीन वर्क था, तो आपको कैरेक्टर मिलता है, एक बहुत सिंपल सवाल पूछा जाता है कि ऐसी क्या चीज है जो आपका कैरेक्टर नहीं करेगा कभी। हम सब अपने लाइफ में, हमने ना अपने आप को बांध रखा है सबसे पहले से, अपने आप को भी और दूसरों को भी, हमें जज करने की बहुत आदत होती है, हम बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, अरे इसने ऐसा किया तो ये आदमी ऐसा होगा, हम क्लीशेज ऐसे ही हम डेवलप करते हैं, ऐसे ही क्रिएट करते हैं अपने बारे में भी दूसरों के बारे में भी, और सबको कंपार्टमेंटलाइज करते चले जाते हैं। तो आदमी को लगता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ना कभी में भी, मान लीजिए कि ये इस कैरेक्टर को थप्पड़ नहीं मार सकता क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, और फिर उसके बाद आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस के साथ डाला जाता है कि आप एक्चुअली खुद रियलाइज करते हैं कि इवेंचुअली आपका वो कैरेक्टर वो चीज कर देता है। तो यानी कि देयर इज नथिंग दैट यू ऑल्सो, अगर आपका कैरेक्टर कुछ भी कर सकता है, इसका मतलब आप भी एक कैरेक्टर है, इंसान है, आप भी कुछ भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो हम जज कर रहे थे तो हमें लग रहा था ये कैरेक्टर ये नहीं कर सकता, सेम हम अपने साथ भी करते हैं, हम अपने आप को बांधते रहते हैं कंटिन्यूसली कि नहीं नहीं इस पे ये क्या बोलेगा, इस पे वो क्या बोलेगा, इस बात पे ये खुश हो जाएगा, इस बात पे ये नाराज हो जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा, दुनिया में मैं बता रहा हूं आपको और लिख के दे सकता हूं, जिसे पूरी दुनिया में हर आदमी पसंद करता हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मेरा अब खत्म ही हो रहा है मेरा टाइम भी, मेरा मेन पॉइंट ये है, मैं उसको सम अप करता हूँ इस सारी बातों को, कि अपने अंदर से सबसे पहले आपको फियर निकालना पड़ेगा, आपको जो करना है, आप अभी आज के डेट में बॉम्बे में देखिए बहुत कमाल के काम कर रहे हैं, जो लोग आई आई एम से निकले हैं, जो आई आई टी से निकले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो अलग फील्ड से थे, दे फॉलोड देयर पैशन, वहीं कहीं ऐसे लोग हैं जो एक अलग फील्ड से आया करते थे, कॉमर्स से आए थे, और अभी मेरे एक दोस्त है वो साइंस में इंडियन मिनिस्ट्री में फूड डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर रिसर्च वर्क में है, बिकॉज एट अ सर्टेन पॉइंट ही अंडरस्टूड कि उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स। ये कब होता है, ये तब होता है जब हम अपने ऊपर से वो बैरियर हटाते हैं, हम अपने अंदर से डर को निकालते हैं। सोसाइटी के साथ जीना है, मिलके जीना है, पर अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए जीना है। अगर आपने अपने आप को रोका तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एक फ्रस्ट्रेशन रहती रहेगी, फिर शाम में कुछ रैंडम चीज अपने फोन पे वापस घर पे आते हुए आप देखते हो, उसमें कुछ किसी की तारीफ करते हो, किसी की बुराई करते हो, एंड आप और ज्यादा जजमेंटल बनते जाते हो, आप अपने आप को रोकते जाते हो, और इवेंचुअली खड़ूस बूढ़ों के नाम से फिर मशहूर हो जाते हो, क्योंकि आप अपने आप को, आपने अपना विजन धीरे 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 बंद करते करते आपने ऐसा बना लिया कि जो जिसने ये किया वो ठीक, जिसने ये नहीं किया वो गलत। तो मैं लास्ट चीज ये बोलूंगा, 0-0 आ चुका है, कि अपने आप को भी और दूसरों को भी जज मत करिएगा, जो दिल में आए जस्ट फॉलो योर पैशन, पूरे डेडिकेशन से उस टाइम के लिए काम करिए, फ्यूचर के लिए काम मत करिए, ट्रस्ट मी फ्यूचर ऐसा कुछ नहीं होता, कल एक्सीडेंट में कहीं किसी के साथ कुछ हो जाए ऐसा ना हो, पर कुछ पता नहीं होता। तो इट्स बेस्ट कि आप आज को जिए, और अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे बॉम्बे वापस जाके क्या काम करना है शुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट। So that is the last thing I would end my message.